Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट किया है। और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं, उस समय आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों हमें लास्ट वन ईयर के रिटर्न के बेसिस पे किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के सिलेक्शन के दौरान उन फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है जो कि रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट इज जिन फंड्स ने इवन 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है। और साथ ही उन फंड्स को भी इंक्लूड नहीं किया है जिनका AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, 500 करोड़ से कम है। हम में से कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि सिर्फ लास्ट वन ईयर के रिटर्न को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो नाउ मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के 7 फंड्स का लास्ट वन ईयर का रिटर्न शो करूंगा और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि सिर्फ लास्ट वन ईयर के रिटर्न को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो मोस्टली आउट ऑफ दी 7 स्कीम्स आप स्कीम नंबर सी या स्कीम नंबर डी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हो सकता है आप स्कीम नंबर जी या फिर स्कीम नंबर बी में अपना इन्वेस्टमेंट करें, बट मोस्टली आप अपना इन्वेस्टमेंट स्कीम नंबर ए, ई और एफ में नहीं करेंगे। नाउ हम इन फंड्स का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आउट ऑफ दीज 7 फंड्स कौन सा फंड बेस्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। सो लास्ट वन ईयर के हाई रिटर्न्स के बेसिस पे हमने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया था, दैट इज सी, डी, बी एंड जी, ये सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑल दो लास्ट वन ईयर में अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं। जबकि वैसे फंड्स जिनका लास्ट वन ईयर में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लाइक ए, ई एंड एफ, इन फंड्स ने अक्रॉस 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। सो नाउ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप किसी भी फंड को सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप ये इंश्योर करें कि उस फंड का आप लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म होराइजन में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हों। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर सके। मैंने आपके लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के वैसे अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का एक लिस्ट बनाया है जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इस लिस्ट में वैसे फंड्स को इंक्लूड किया गया है जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का मैंने 2 लिस्ट बनाया है। फर्स्ट लिस्ट में मैंने इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स लिया है, जबकि सेकंड लिस्ट में मैंने इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के रेगुलर प्लान का रिटर्न्स लिया है। आपको ये पता होगा कि रेगुलर प्लान्स का रिटर्न डायरेक्ट प्लान से हमेशा ही कम आता है, और इसका कारण ये है कि रेगुलर प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान्स। And because of this difference in returns of regular plan and direct plan, जब आप regular plan and direct plan का list check करेंगे, तो उसमें regular plan में जो number of schemes आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे as compared to direct plan schemes. Large and mid-cap category में total 28 schemes हैं। Out of these 28 schemes, direct plan के 10 schemes ऐसे हैं जो कि 3 या 4 horizon में अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे 10 इयर्स का रेगुलर प्लान का रिटर्न लिया है क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हमसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, क्योंकि इन फंड्स से एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये फंड्स कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करेंगे। अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा। सो डायरेक्ट प्लान ऑप्शन में जिन 10 स्कीम्स ने कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है वो स्कीम्स हैं DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड,
HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI अप्रूव लार्ज एंड मिड कैप फंड, IDFC कोर इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया विजन फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड UTI कोर इक्विटी फंड। आउट ऑफ दिस 10 स्कीम्स 5 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि अक्रॉस ऑल 4 होराइजन दैट इज 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के उन अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स के बारे में जानेंगे जिनके रेगुलर प्लान ऑप्शन ने 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। सो यहाँ पे टोटल 15 अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं। सो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जब आप अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को देखते हैं तो डायरेक्ट प्लान में आपको 10 स्कीम्स ऐसे मिलते हैं जबकि रेगुलर प्लान में 15 स्कीम्स आपको ऐसे मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑफ कोर्स हमें अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए और साथ ही किसी भी स्कीम के रेगुलर प्लान में भी अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। सो नाउ हमें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में पता चल चुका है। तो अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको इमीडिएटली इन फंड्स का परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर करना चाहिए। करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है और इन मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। जब भी स्टॉक मार्केट्स काफ़ी तेजी से ऊपर जाता है उस समय कई बार अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का भी रिटर्न अच्छा आता है। अगर आप किसी भी अंडर परफॉर्मिंग फंड से एग्जिट करना चाहते हैं तो ये समय किसी भी अंडर परफॉर्मिंग फंड से एग्जिट करने का सही समय है क्योंकि इस समय आपको अंडर परफॉर्मिंग फंड से भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखें कि ये स्टॉक मार्केट का बुल रन हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, इस मार्केट में करेक्शंस भी आएंगे, और जब भी स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आएगा उस समय इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हो सकता है। इसलिए हमारे लिए अच्छा ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं तो उन फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं। इन अंडर परफॉर्मिंग फंड से एग्जिट करने के बाद आपके पास जो भी लमसम अमाउंट आएगा, ऑफ कोर्स आप उस लमसम अमाउंट को इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करें। आप उस लमसम अमाउंट से इक्विटी फंड्स में 6 मंथ या 12 मंथ का STP स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।